नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद शर्मा आज पहुंचा हूं हिसार हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक का किला देखने के लिए। फिरोज शाह तुगलक यहां हिसार के शासक रहे हैं और 1356 ईस्वी में उन्होंने ही हिसार की स्थापना की थी। आज हिसार ज़िला जो इतना बड़ा शहर है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही बसाया गया था। अभी हम फिरोज शाह तुगलक के किले के सामने हैं, चलिए थोड़ा उनका इतिहास देख लिया जाए। दोस्तों अभी हम फिरोज शाह तुगलक के किले में आ चुके हैं और यहाँ किले में बहुत सारे तहखाने हैं। यहाँ पे पुराने टाइम की जेल है। यहाँ फिरोज शाह तुगलक का राज सिंहासन भी है और उस राज सिंहासन के ठीक नीचे में एक गहरा कुआं है। लोगों का ऐसा मानना था कि जब अगर राजा लोगों के साथ में अन्याय करेंगे तो वो तख्त टूट जाएगा और राजा उसके अंदर समा जाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग उसे देखेंगे आखिर वो तख्त कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे सभी तहखाने हैं और अभी हम लोग तहखाने के अंदर जाके देखते हैं। यहाँ देखिए ये छोटे छोटे बहुत सारे तहखाने हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किला भूतिया किला भी है क्योंकि यहाँ पे रात को अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ लोग यहाँ दिन में भी आते हुए डरते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी सबसे ज़्यादा तहखाने ही हैं और ये तहखानों से होके रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। तो चलिए अभी ऊपर देख लेते हैं ऊपर क्या है। ये देखिए अभी हम यहाँ तहखानों के ऊपर के हिस्से में आ गए हैं। यहीं सीढ़ियाँ हैं और ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ अलग अलग जगह पर बनी हुई हैं। हमारे नीचे बहुत सारे तहखाने हैं। यहीं तहखाने के पीछे में उधर में जेल है और यहीं पास में लाठ मस्जिद है और लाठ मस्जिद के सामने महाराजा गोविंद सिंह आसन है जहाँ बैठ के वो लोगों के साथ में न्याय किया करते थे। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक यहाँ हिसार के शासक रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि जब फिरोज शाह तुगलक यहाँ हिसार में रहते थे ये महल उनके लिए बनाया गया था और एक बार वो शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक गुज्जर कन्या मिल जाती है जिसे लोग गुजरी कहते थे और वो गुज्जर कन्या को देख के इतना मोहित हो जाते हैं कि उन्हें उनसे प्रेम हो जाता है और वो सोचते हैं कि इन गुज्जर कन्या से शादी कर ली जाए। तभी वो गुज्जर कन्या से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी और अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ से दिल्ली चला जाऊँगा। तो वो गुज्जर कन्या उनसे शादी करने के लिए तो तैयार हो जाती है लेकिन एक शर्त रखती है और उन्हें बोलती है कि यहाँ पे मेरे जो बूढ़े माँ बाप रह जाएंगे उनकी देखरेख कौन करेगा और उनके लिए रहने का भी कोई विशेष स्थान नहीं है। तभी वो फिरोज शाह तुगलक को बोलती है कि मेरे बूढ़े माता पिता के लिए रहने के लिए एक जगह बना दी जाए और फिर फिरोज शाह तुगलक उस गुज्जर कन्या के लिए एक गुजरी महल का निर्माण कराते हैं और जो गुजरी महल यहाँ थोड़ी सी दूरी पर ही है यहाँ से बिल्कुल पीछे में रोड के उस पार में गुजरी महल है। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही महाराजा फिरोज शाह तुगलक के ज़माने की जेल हैं जहाँ पे कैदियों को बंद करके रखा जाता था। यहाँ बहुत सारी जेल हैं।
ये मेरे पीछे जेल का जाने का रास्ता है, ये देखिए यहाँ जेल नीचे की तरफ में है और बहुत ही अंधेरा है, आप देख सकते हैं। और शायद इसलिए इस महल को भूतिया महल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह छोटे छोटे रास्ते जाते हैं, बहुत सारे तहखाने होने के कारण और बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण यहाँ लोग दिन में भी आने से डरते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जेल वाली जगह पहुँच गए हैं, ये देखिए पीछे किले की सभी जेल इधर नीचे में एक साथ में ही हैं। यहाँ तहखाना साफ सुथरा नज़र आ रहा है, थोड़ा तहखाना का व्यू देख लिया जाए। ये देखिए यहाँ सैनिकों के लिए रहने के लिए जगह थी, और ऐसे ही तहखाने पूरे किले में सब जगह तहखाने बने हुए हैं, और इसके अंडरग्राउंड भी तहखाने बने हुए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा तहखाने हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने यहाँ किले की जेल और किले के तहखाने देखे, तो चलिए अभी हम लोग राजा का सिंहासन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुका हूं लाट मस्जिद, ये देखिए यह फिरोज शाह तुगलक के किले के पीछे के हिस्से में है। ये देखिए फ्रेंड्स यहां फिरोज शाह तुगलक का सिंहासन था, चलिए सिंहासन थोड़ा दिखा देते हैं। ये यहां पर सिंहासन लगता था, ये चबूतरा ही सिंहासन था, देखिए कितना भव्य सिंहासन था यहाँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजा के सिंहासन के नीचे एक गहरा कुआं था, ये देखिए ये है वो गहरा कुआं, चलिए थोड़ा क्लोज से देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूर दूर तक तो जितने पिलर लगे हुए हैं वहाँ सब सैनिकों के बैठने की जगह होती थी, और इधर साथ में ही उन्हीं के बिल्कुल सामने ये नीचे कुआं है और उसी के ऊपर राजा का सिंहासन है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा फिरोज शाह तुगलक का किला, लाट मस्जिद और महाराजा फिरोज शाह तुगलक का वो सिंहासन जहाँ पर बैठ के वो न्याय करते थे। दोस्तों अगर आपको हमारा व्लॉग वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। थैंक यू।